फिजिकल फिटनेस रखने के लिए हम वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं। उसके सिवा कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए डेली वर्कआउट करते हैं, पर वेट लॉस करने के लिए भूखे रह के वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको वीकनेस फील होगी और एक्सरसाइज करने का मजा नहीं आएगा। इसीलिए वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो जानना जरूरी है। वर्कआउट के टाइम हमारी पूरी बॉडी एक्सरसाइज के प्रोसेस में होती है, इसीलिए डाइटिशियंस एडवाइस करते हैं कि वर्कआउट के टाइम 30 मिनट पहले स्नैक्स खाना चाहिए। खासकर वर्कआउट से पहले प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वाले स्नैक्स खाइए। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो वर्कआउट के पहले खाने से डाइजेशन की तकलीफ होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्कआउट से पहले कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीन्स वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, लेकिन अगर आप कोई भी एक्सरसाइज से पहले बीन्स से बना फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिस कारण वर्कआउट के वक्त गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। बीन्स में फाइबर कंपाउंड ज्यादा होते हैं, जिस कारण इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। स्पाइसी फूड, अगर आपको स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद है तो भी वर्कआउट से पहले स्पाइसी खाना अवॉइड करें। स्पाइसी फूड मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है, लेकिन उससे हार्ट बर्न की तकलीफ भी होती है। वर्कआउट से पहले स्पाइसी फूड खाने से पसीना भी ज्यादा आता है। अनराइप बनाना, वर्कआउट से पहले स्नैक्स बनाना खाना अच्छा है, पर अनराइप बनाना खाना अवॉइड करें। कच्चा या बहुत ज्यादा पका हुआ बनाना डाइजेस्ट होने में वक्त लेता है, जहां कि नॉर्मल राइप बनाना क्विकली डाइजेस्ट होता है और इसके कार्ब्स और पोटेशियम मसल्स के लिए अच्छे होते हैं। फ्राइड फूड, टेस्टी फ्राइड फूड खाने के बाद वर्कआउट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। फ्राइड फूड का फैट कंटेंट मेन कल्प्रिट है, जो आपको ड्राउजी फील करवाएगा, जिस कारण फ्राइड फूड वर्कआउट से पहले टोटली अवॉइड करें। इसीलिए ध्यान रखें कि वर्कआउट से पहले नेचुरल लो फैट फूड खाना है। एप्पल, वर्कआउट से पहले कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना अच्छा है जो एप्पल से मिलता है, लेकिन एप्पल में पेक्टिन और फाइबर का सोर्स ज्यादा होता है, जिस कारण वर्कआउट से पहले खाने से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एप्पल वर्कआउट के बाद खाना अच्छा ऑप्शन है। सैलेड, सैलेड का नाम देख के आप सोचते होंगे कि सैलेड हेल्दी फूड है, फिर क्यों ये नहीं खाना चाहिए। सैलेड हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड होने के सिवा कुछ तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है, खासकर अगर सैलेड में ब्रोकोली और कैबेज का इस्तेमाल किया हो तो अवॉइड करें। सैलेड में रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे ब्लोटिंग की तकलीफ होती है। इससे आपकी काफी एनर्जी डाइजेशन में यूज हो जाती है। अगर आपको सैलेड खाना है तो वर्कआउट के कुछ घंटे पहले या बाद में खा सकते हैं। ये कुछ फूड आइटम्स है जो आपको वर्कआउट से पहले खाना अवॉइड करना चाहिए। इन फूड से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, जिससे आप वर्कआउट अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।